कैसे हो आप लोग, सबका स्वागत करता हूँ। तुम जो आए जिंदगी में सब्सक्राइब कर दिया बाबा, अगर न्यू हो चैनल में तो सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, लाइक करो, शेयर करो। और आज हम जो रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा है, वेलकम टू हेम राजकोट, हेम जाकोट नेपाली मूवी का ट्रेलर है भाई साहब। बोधित मंग जी हैं इसके अंदर, विनोद जी हैं और संदीप और अंबिका। चलो देख लेते हैं इस वीडियो को, हम कैसा होगा ट्रेलर, कैसा नहीं होगा यार, हमेशा की तरफ देखते हैं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, और क्या कर सकते हैं चलो 1 2 3 देखते हैं इसको। हम नेपाली मूवी है भाई साहब, मैं बहुत सारी मूवीज देखी है वैसे नेपाली भी, मेरे प्रेम को गीत को गीत को प्रेम गीत री बड़ी सही मूवी। चलो देखते हैं अब ये सॉन्ग, ट्रेलर 1 2 3 है और प्ले। OSR डिजिटल, OSR वालों का है सब्सक्राइब करें, OSR। हे प्रभु, यो घर में सुख रे वास करो, तांको वर्षा होस, एउटा भएको नलायक छोरो को बुद्धि फिरोस प्रभु। नलायक चप्पलले भेटलास नि फेरि हाम्रो दिन ढिला आउँछ तर कडा रूपमा आउँछ। ए आउँछ मुस्कान भनेपछि जो राम्रो कार्यक्रम भयो नखरा दिन्छु नि फेरि के दिन्छेस बरोबर सुन न थाहा छ नि तँ कसको छोरी हो, कति पढ्या छ तैँले, ए ए एसएलसी के काम गर्छ, गृह कार्य, तिमी राम्रो जाऊ गइहाला, हेर्छु म पनि कस्तो जय पाउनु हुँदो रहेछ। लोकसेवाको जाँच दिएर एउटा सरकारी जागिर पाइयो भने तिम्रो बिहा पनि गरिहाल्नु पर्छ क्यारे, सकेसम्म फेलो नत्र बाउले अन्तै हात थमाइदिएलन्। कहाँसम्म जाने हो र यो त मेरी नराय, माइ नेम इज जाके, 100 रो पनि जोत्ने खे, आई मरी एकपल्ट देऊ न त, पल्लो गाउँमा सभा भन्ने छ के बा, पैसा दिएनन् उठाएर ल्या, हेत तेरी पहिला कुरो त सुन्नु, बिहारो परो हेमजाकोटे हेमन्ते भन्दा सबले चिन्ने भएर आउँछु म, गाउँमा बसेर तर्ने जिस्का जस्तो होइन नि, यताउति नजर डुलाउला र फेरि बाक्समा पार्सल गरेर पठाउला, सम्झेको कि तर्साको, साला पैसा कमाउनलाई विदेशै जानु पर्छ त, फिर्ता आफै राख्नुस् है, उड्ने बेला भयो, किन उड्नु पर्यो र अब, अब हेमन्त विदेश जाँदैन, ठुक्क पाजी माची थारेहरु के भइराछ यहाँ, के सरप्राइज दिन लाग्नु भयो, सुरुवाल खोल्दैछु, छोड न, छोड्दिन के, छोड न, छोड्दिन सही, ओह भाई साहब बड़ी ही खतरनाक मूवी है, मतलब फनी ड्रामा जो कि हम सबको चाहिए होता है यार, कि इस लाइफ में कुछ चटपटा भी हो, कुछ खटपटा भी हो, और वैसे ही ये मूवी है। एक बात सीरियस बताऊं तो सच में ऐसे मुझे कॉमेडी मूवीज देखना बड़ी पसंद है, और भाई साहब ये टोटली फनी है, और जहां तक मुझे ख्याल आया कि भाई साहब हर नेपाल का ड्रीम होता है ना, इंडिया में भी सेम ही है भाई साहब, एक्चुअली साउथ एशिया का पूरा यही ड्रीम है कि बाहर जाया जाए, अलग अलग कंट्री जाए, चाहे छोटी कंट्री हो चाहे बड़ी कंट्री हो, वैसे तो बड़ी का ही होता है तो ऐसे होता है, तो वो पैसे कमाने के लिए बाहर जाना चाहता है, बाद में वो देखता है होटल में ये क्या हो गया भाई, ये अंधेरा कभी कुछ हो जाता है, इसलिए थोड़े कैमरे को इग्नोर कीजिए। तो बात ऐसी है कि वो बाहर जाना चाहता है, जैसे बाहर तो जाना गया नहीं है, बाद में जहां तक मैंने समझा है कि होटल मिल जाता है, होटल में जब रहता है तो ऑटोमेटिक पैसे आ जाते हैं, तो पैसे कहता
पैसे कमाने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है क्या? पर जहां तक मेरा ख्याल है ये बैंक वगैरह कुछ किया था या क्या हुआ था जो बाद में गुंडे भी पीछे पड़े हुए हैं भाई, शायद कोई गुंडा ऐसे छिपा के चला गया होगा बचते हुए किसी से, तो यही सीन होगा। बाकी जानने के लिए हम इसको मूवी को देखना पड़ेगा यार, पर क्योंकि ये तो हमारा सिर्फ अंदाजा है, अंदाजे से कुछ नहीं चलता। तो ये मूवी हमें सबको देखनी है, जल्दी से जल्दी आएगी अगर YouTube में भी तो मुझे जल्दी से जल्दी बताएं, नहीं तो Netflix वगैरह सब कुछ फिलाना ढिमकाने में आएगी कोई भी, आप मुझे बताएं कमेंट करें और हम साथ में देखेंगे। और रिएक्शन नहीं मैं बना सकता मूवी में यार, इतनी बड़ी या छोटे छोटे पार्ट भी करूंगा ना, ना मुझे मजा आएगा ना आपको मजा आएगा, और ऊपर से वाइब हो भैया। तो यार बहुत ही सिरा ही मूवी थी, बहुत ही अद्भुत अविश्वसनीय, बहुत ही सुंदर मूवी, मतलब फनी वाली कह सकते हैं। और लास्ट में कुछ कहा तो कहते हैं क्या है, मतलब बता नहीं सकते ना ऐसी, हमें भी शर्म आती है भाई साहब। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच, होप आपको हमारी रिएक्शन अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब कर लो, ये क्या हो रहा है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।